दीपावली के दिन घर के दरवाजे पर केवल द्वार पूजन होती है, शुभ लाभ नहीं लिखाया जाता। आज लाभ पाचन का दिन ऐसा होता है कि कंकु से, सिंदूर से, हल्दी से जो आपके घर में हो उससे दरवाजे पर या मंदिर के अंदर जहां तुमने लक्ष्मी पूजन करी होती है, एक तरफ शुभ, दूसरी तरफ लाभ लिखाया जाता है, जिससे हमारे घर में संपदा बढ़े, सत्ता बढ़े, हमारा वैभव बढ़े। आज के दिन लाभ पाचन क्यों कहा गया? क्योंकि इसी दिन गुणवती ने अपने भाग्य को लाभान्वित किया था, इसलिए ये लाभ पाचन। बहुत आपसे भी निवेदन है, आज लाभ पाचन का दिन निकलने मत देना। अपने घर के दरवाजे पर कुंकू से, हल्दी से या सिंदूर से, या जहां आपने लक्ष्मी का पूजन घर के अंदर करा हो, वहां पूजन वाली जगह पर कोई दीवाल हो, भगवान की अलमारी हो, भगवान की चौखट हो, कोई अब जहां हो छोटा सा शुभ और लाभ जितना बड़ा आप लिख सकते हो, कोई तीली से, काड़ी से, उंगली से, या अगर वहां नहीं लिख सकते तो अपने घर की अलमारी पर, तिजोरी पर, भंडार भरने वाली जगह पर, रसोई, कहीं पर भी शुभ लाभ लिख। जीवन पर्यंत समृद्धि सुख वैभव। और नियम बना लो कि दीपावली के बाद लाभ पाचन के दिन हमको शुभ लाभ लिखना है। आज ही का दिन होता है, आप लोगों को तो मालूम होगा, पहले के समय में दिवाली पर ये जो गल्ला व्यापारी है ना महाराज, इन लोगों की छुट्टी हो जाती है। हडवाल जी, ये गल्ला व्यापारी जो होते हैं ना, सारा व्यापार की छुट्टी हो जाती है। तो गल्ला व्यापारी जो होते हैं, कपड़ा व्यापारी होते हैं, नया काम जब चालू करते हैं तो आज ही के दिन से करते हैं, क्योंकि आज के दिन इनकी बही खाते की वापिस पूजन होती है, गल्ले की पूजन होती है, व्यापार की पूजन होती है, क्योंकि आज के दिन से जो करा हुआ जाता है वो आगे तक बढ़ जाता है, तरक्की की। वकील, ये जो जितने अपने ये जीवन बीमा निगम करने वाले होते हैं, या LIC वाले होते हैं, या गाड़ी वाहन वाले होते हैं, या अन्य जितने भी होते हैं, इनको आज के दिन अपने काउंटर पर, अपनी पेन पर, लीड पर जो काम करते वहां पर शुभ लाभ लिखना जरूरी होता है। कई लोग बाहर रहते हैं, नहीं लिख पाते, तो एक कोरे कागज पर कुंकू से शुभ लाभ लिख लो और वो घर पर जाकर बाद में चिपका लो। पर आज के दिन शुभ लाभ जो लिखा जाता है वो जीवन पर्यंत सुख समृद्धि में कमी, आनंद देने वाले। बहुत ध्यान से सुनना, जैसे आपको कहा था दीपावली के दिन रात्रि को 11:30 से 12 के बीच में एक दिया लगाया जाता है कर्जे से मुक्ति के, लक्ष्मी की वृद्धि। अब अमावस्या तो चली गई, दिवाली चली गई, पर अभी भी बाकी है गोपाष्टमी 30 तारीख को, आंवला नवमी, फिर एकादशी, द्वादशी प्रदोष, फिर उसके बाद में हरिहर मिलन, वैकुंठ चतुर्दशी, फिर पूर्णिमा। ज्यादा कुछ नहीं कर पाओ तो प्रयास करो कि इन तिथियों पे कम से कम एक दीप ऐसा जलाया जाए जिससे हमें समृद्धि, लक्ष्मी, वैभव प्राप्त। घर में भी जो दिए रखे जाते हैं, आपको पहले भी कथा में कहा, विष्णु पुराण मंगरूलपीर, कि घर में जो दिया होता है वो दीपक भी कोई साधारण नहीं होता, उस दीपक की भी महत्वता, उस दीपक का भी वर्णन है महाराज, और कई तरह के दीपक होते हैं, दीपक का भी विधान वर्णन किया गया, उस दिए का भी वर्णन किया गया। यहां तक शास्त्र कहता है कि घर में अगर किसी को बहुत तेज बुखार आ गया है, बहुत तेज बुखार, और बच्चा उस बुखार में तप रहा है, बहुत तप रहा है, मारा, तुम जिस दिए में भगवान की आरती उतारते हो, जिस दिए से तुम भगवान की पूजन करते हो, उस दिए की बत्ती को नीचे डाल दीजिए और उस दिए को पानी की बाल्टी में धो दीजिए। कौन सी बाल्टी में? जिस बाल्टी के पानी से आप बच्चे को स्नान करा सको, केवल भगवान पर से ले जाकर, पास में से ले जाकर उस बाल्टी में थोड़ी देर डाल दो और उस बाल्टी के पानी से उस बच्चे को स्नान करा दीजिए। 15 से 20 मिनट, आधा घंटा लगेगा, बच्चे का बुखार पूरा उतर जाए, इतना विधान है दीप का।
दिया कोई साधारण नहीं है, दीप कोई साधारण नहीं। कई लोगों की आदत रहती है जो दिया भगवान के सामने जलाया गया है उसी दिए को ले जाकर लोग तुलसी में रख देते हैं भगवान को घुमा, गलत है। अखंड सौभाग्य पाने वाली नारियां, अखंड सौभाग्यवती स्त्रियां भगवान के सामने जला हुआ दिया ले जाकर तुलसी के क्यारे में नहीं रखती। तुलसी के क्यारे के पास शालिग्राम जी का नाम लेकर, ठाकुर जी का नाम लेकर अपनी कामना कर दीप प्रज्वलन करें और उस दिए को तुलसी के क्यारे में रखें तो नारी का अखंड सौभाग्य होता। अखंड सौभाग्य। कई माताओं की आदत हमने देखी है, हाँ दो पर्व या कोई घर में पूजन हो रही हो विशेष, जिसमें ब्राह्मण के मुख से, ब्राह्मण के मुखारविंद से श्लोक बोले गए हो, मंत्र उच्चारण किया गया हो, या कोई विशेष पर्व है उस दिन सारे देवताओं के लिए आपने दीप लगाया है, उसमें से दीप ले जाके आप तुलसी में रख सकते। ब्राह्मणों ने पूजन कराया उस दिन आप दीप ले जाकर रख, पर रोज प्रतिदिन मंदिर का दिया उठाकर आप वही दिया भगवान को लगा दिया, वही दिया तुलसी जी में रख दिया, वो श्रेष्ठता श्रेष्ठता का भाव नहीं व्यक्त करे। आपको दीप बदलना है।